हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम आपको अमृतसर का फेमस ढाबे पर लेके आए हैं, जिसका नाम है जी कस्तूरी वैष्णो ढाबा। और इनकी स्पेशल जो दाल है बहुत ही फेमस है जी अपने अमृतसर में। देग में दाल बनाते हैं, 60 साल पुराना ढाबा है। इसके साथ और भी बहुत वैरायटी बनाते हैं, जैसे पालक पनीर इनका बहुत ही फेमस है। साथ में देते हैं लच्छा परांठा, बटर नान, चपाती देते हैं, सादी रोटी देते हैं। बहुत ही ऑप्शन है आपके पास और बहुत ही फेमस है जी कस्तूरी वैष्णो ढाबा अमृतसर में। और इनकी लोकेशन जो है, लोकेशन है जी अपने सुल्तान मिंट रोड है, वहाँ पर इनका ढाबा है, बहुत ही फेमस है। तो बाकी करेंगे ओनर से बात, उससे ही पूछेंगे कि भी और क्या क्या वैरायटी बनाते हैं, कितने बजे ढाबा खुल जाता है। तो चलिए गाइस, करते हैं जी ओनर से बात, उससे पहले लोकेशन चेक कीजिए। तो दोस्तों, सामने आप चौक देख रहे हैं जी, अपने उधर की साइड से एंटर होता है सुल्तान मिंट चौक से। तो सुल्तान मिंट चौक से आप सुल्तान मिंट रोड पर आएंगे तो ये चौक आएगा, तो बिल्कुल सामने ही इनका ढाबा है और बहुत ही फेमस है। तो आप किसी से पूछ सकते हो कस्तूरी वैष्णो ढाबा, तो बहुत ही इजी है इनके पास आना। तो चलिए गाइस, करते हैं जी बात और देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है आज के मेन्यू में। साथ हैं ढाबा के ओनर, तो नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। तिलकराज। तो कस्तूरी वैष्णो ढाबा बहुत ही फेमस है आपका अमृतसर में, तो कस्तूरी किन का नाम था जी? ये हमारे पापा जी का नाम है कस्तूरी लाल। अच्छा, उनके नाम से चल रहा है ये, पहले वही करते थे। अच्छा जी, तो कितने साल हो गए जी आपके ढाबे को? 60 साल हो गए, 60 साल से भी ऊपर ही है वैसे, लेकिन 60 साल लिखा हुआ है। ओके ओके, 60 साल मतलब के पास हो गए आपके ढाबे को। तो सर, हमने तो सुना है और आज ट्राई भी करने आए हैं आपकी दाल जो देग में बनती है सर। हाँ जी, देग। तो कुछ बताइए कैसे तैयार करते हो? हाँ जी, ये फिर सुबह 7 बजे रखते, 8 बजे रख देते हैं। ओके। ये मतलब 12-1 बजे जाके तैयार होती है। अच्छा जी। और मैं देग देख रहा हूँ आगे, पीतल की देग है। हाँ जी। तो ये मतलब पुरानी चल रही है या नई आपने बनवाई है? ये पुरानी चल रही है। अच्छा जी, पुरानी चल रही है। तो सर, एक तो दाल तो बनाते हो, इसके अलावा कौन कौन सी सब्जी बनाते हो? और शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, पनीर बटर मसाला है। ओके ओके, बटर पनीर। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इनका जो पालक पनीर है बहुत ही फेमस है, और तो उसके ऑर्डर भी काफ़ी आ रहे हैं। तो सर, पालक पनीर कैसे तैयार करते हो? पालक पनीर अजी, इसको उबाल के मिक्सी में पीसते हैं, इसको तड़का लगाते हैं, बाद में इसको मतलब जैसे इंडियन तैयार होता है अच्छी तरह इसको घी में भूनते हैं। ओके ओके ओके, तो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी यहाँ पर वैरायटी, और यहाँ पर दोस्तों खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो सर, मसाले वगैरह कौन से यूज़ करते हो? मसाले हम अपने ही बनाते हैं। अच्छा जी, अपने रॉ मटेरियल लेकर तैयार करवाते हो। ये है जी इनकी देग, जिसमें सुबह से लेकर काफ़ी टाइम तक ये अपनी दाल जो है बनाते हैं ना भैया। तो हमारे साथ है करण भैया, तो ये तो ढाबे के ओनर हैं। तो नमस्ते भैया। नमस्ते। तो भैया, कुछ बताइए दाल के बारे में, कितनी टाइम लेती है दाल बनाने में? सर, इसको 5-6 घंटे लगते हैं पकने का। सुबह 5-6 घंटे में दाल तैयार होती है। सुबह दुकान ओपन करते सबसे पहले देग ही रखते हैं। और हमने सुना है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप दाल तैयार करते हो। हाँ जी, जो अमृतसरी माँ की दाल होती है। हाँ जी। तो कुछ बताइए क्या क्या डालते हो उसमें? सर, इसमें बस नमक और मिर्ची है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, नमक है, मिर्ची है। दोबारा तड़का लगता है। अच्छा, जब तड़का लगता है तो फिर हमारे जो है सामान वगैरह उसमें डाल दो। उसमें क्या क्या डालता है मसाले वगैरह? जैसे सर, लहसुन प्याज अदरक हमने मसाला भून के रखा। अच्छा, वो भी डालेगा। मैं तड़का लगाते हैं, अदरक डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंडियन तरीका जो होता है वो तड़का लगाना है आपने। बहुत ही बढ़िया। और ये है आपकी देग। हाँ जी। तो देग में देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी साइज में लग रही है, ये कितने किलो की है? सर, ये 35-40 किलो। अच्छा, 35-40 किलो है। इसमें 35-40 किलो दाल हमारी बन जाती है। देग का साइज इतना है। अच्छा, साइज मतलब वेट में इतनी किलो की है। ओके ओके। तो दाल कितनी बन जाती है इसमें? 12 किलो दाल बन जाती है। अच्छा, 12 किलो दाल तैयार हो जाती है हमारी इसमें। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, इसी के लिए हम आए हैं, इनके पास स्पेशल दाल बनती है देग में, और बाकी लगवाते हैं ये तड़का करण जी, फिर तैयार करवाते हैं। भाई, सबसे पहले ये दाल है हमारी। हाँ जी। तो ये मतलब वहाँ से बन के यहाँ पर आ गई हुई है ना? वहाँ से निकाली हुई है पतीले। अच्छा, निकाली हुई है, ठीक है। और आपने क्या क्या बनाया वो भी हमें दिखाएं जरा। और पहले क्या है जी? ये बैंगन भरता है जी। अच्छा जी, ये भरता बनाया हुआ है आपने। हाँ, क्या बात है जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से लग रहा है मुझे बनाया हुआ है। हाँ जी। इसके बाद क्या आएगा जी? ये है न्यूट्री। अच्छा, न्यूट्री जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन की न्यूट्री। क्या बात है, बहुत ही वैरायटी रखी हुई है। आलू गोभी। अच्छा, आलू गोभी भी मिलने वाली है आपसे। तो सर, गर्मियों का मेन्यू कुछ चेंज होता है जी? गर्मियों में और ये चने हैं हमारे, वाइट चने हो गए ये, 12 महीने यही ये जी राजमा। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं जी। तो सर, गर्मियों में चेंज होता है मेन्यू अपना? नहीं, यही चलता है जी। अच्छा, यही चलता है। हाँ जी। क्या बात है, इसके बाद सर क्या आएगा? जैसे मौसम के हिसाब से सब्जी बदलती है, बस वो चेंज करते हो।
डेली यही है कढ़ी पकौड़ा। अच्छा कढ़ी पकौड़ा है, क्या बात है जी। और मैं देख रहा हूँ जी आपने तड़का तैयार किया हुआ है। हाँ ये तड़का है, ये साथ में अदरक काटा हुआ है, पालक पनीर है जी। अच्छा ये है पालक पनीर जो आपकी, ये भी बहुत फेमस है जी, क्या बात है। और क्या है सर? ये शाही पनीर का मसाला है जी। अच्छा ग्रेवी तैयार की हुई है, मतलब ये कैसे तैयार करते हो? ये टमाटर काजू और प्याज लहसुन अदरक। अच्छा ये सब इसमें डाला होता है? इसमें डाला होता है। पनीर है अपना? हाँ जी ये तो ये फ्रेश पनीर लेते हो? बिल्कुल फ्रेश पनीर है। अच्छा ये बढ़िया लेके आते हो, और साथ में ये मैं मसाले देख रहा हूँ, गरम मसाले सारे अपने पीछे। अच्छा गरम मसाले अलग अलग है, मतलब ये कसूरी मेथी मैं देख रहा हूँ, ये आपने अदरक भी काटा हुआ है। तो अभी आप हमारे लिए ना तड़का लगाए, वो भी हम अपने दोस्त को दिखाते हैं कैसे लगाते हो। तो तिलकराज जी सबसे पहले क्या डाला जी? ये अदरक और टमाटर की जो पेस्ट आपने तड़का तैयार किया हुआ था। ओके ओके, फिर थोड़ा सा हमारा रिफाइंड आ गया जी। गाइस बिल्कुल सिंपल तरीके है, जैसे बनती है दाल वैसे तड़का। ये क्या आ गया जी? गरम मसाला। अरे अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये लाल मिर्च थोड़ी सी ले ली, नमक ले लिया हमने, और ये कसूरी मेथी। ओके ओके, हरा धनिया भी आ गया जी, ये देखिए। सो गाइस बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है यहाँ पर, हरी मिर्च भी आ गई जी हमारी, क्या बात है। तो गाइस काफ़ी फेमस है कस्तूरी वैष्णो ढाबा सुल्तान मिंड रोड पर। तो ये दाल हमारी आ गई ना, दाल में से भी बहुत ही बढ़िया दोस्तों खुशबू आ रही है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से तिलकराज जी तैयार कर रहे हो आप ना, जैसे घर में तड़का लगता है वैसे ही, क्या बात। देसी तड़के वाली दाल है आपकी, बहुत ही बढ़िया जी। और साथ में लेंगे जी लच्छा परांठा। और सर अपने रोटी में क्या वैरायटी है? लच्छा परांठा, बटर नान। अच्छा बटर नान भी है, लच्छा परांठा भी है, और रोटी भी है, बहुत ही बढ़िया। तंदूरी रोटी भी मिलने वाली है। और ये अब प्लेटिंग करेंगे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए गाइस वो भी जी प्लेट हमारी तैयार, और चलते हैं जी इनके एमबीएस में। तो सर बैठने के लिए क्या अरेंजमेंट रखा हुआ आपने? अच्छा सीटिंग है, आराम से बंदा बैठ के खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पैकिंग तो चल ही रही है ना आपकी? तो हमारी तैयार होगी, अब चलते हैं इनके टेबल पर, फिर आपको बताते हैं जी टीवी तैयार हो रहा है। तो ये सर अपने मैदा नहीं है, ये गेहूँ है, आटा है। अरे आटा है, ये सबसे जो आपका बेस्ट पार्ट है कि मतलब कि आप मैदा नहीं यूज़ करते, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले क्या लगाया जी इसमें? अच्छा घी लगाया है इसमें, उससे क्या होगा? उससे करारा बनाएगा ना, बहुत ही बढ़िया। तो इसको अभी बेलेंगे आप इसको? नहीं ऐसे। अच्छा ऐसे इसको मतलब जो मतलब जो है उसको बलवा, जैसे बलवा नान होता है, क्या बात है जी। और इसके ऊपर अभी कुछ लगेगा? मेथी लगेगी, बहुत ही बढ़िया। गाइस ये देखिए तंदूर, ये इनका तंदूर है, यहाँ पर तंदूर में सारा ये तैयार करते हैं। और इनका सबसे बढ़िया बात लगी जी, मैदा नहीं यूज़ करते, आटा यूज़ करते हैं, क्या बात है जी। इसके ऊपर लगी मेथी, जिस अब ये तंदूर में जाएगा लगने के लिए, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए गाइस अब तैयार होगा हमारा लच्छा परांठा, ये देखिए बहुत ही बढ़िया दाल हमारी तैयार होगी। तो गाइस तैयार हो गया जी हमारा लंच, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है एक नंबर की। ये है जी इनकी दाल, ये है जी इनका बटर पनीर मसाला, ये भी इन्होंने काफ़ी रेकमेंड किया है हमें कि आप इनका भी टेस्ट बताइए, काफ़ी मतलब फेमस है ये, काफ़ी पैकिंग जाती है, काफ़ी ऑर्डर आते हैं। और ये जी इनका बेसिक जो है लच्छा पराठा, और इनका जो बेस्ट पार्ट है ये मैदा नहीं यूज़ करते, ये आटे का जो है नान वगैरह रोटी वगैरह सारा तैयार करते हैं। और ये जी इनकी फेमस पुदीने की चटनी और साथ में सैलड में उन्होंने हमें पूरी दी है। तो पहले जी मैं आपको बताता हूँ दाल का टेक्सचर, बिल्कुल सिंपल। और भैया जैसे बता रहे थे भी हम 5 से 4 घंटे देग में बनाते हैं, और जो इसकी जो आँच होती है बिल्कुल मीडियम रखते हैं, तेज़ आँच पर नहीं बनती, बिल्कुल आराम से बनती है। और तड़का आपने देखा ये कैसे तड़का इन्होंने लगाया है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल तड़का है, मसाला तड़का बोल सकते हो, देसी स्टाइल, बहुत ही बढ़िया। और ये जी इनका स्पेशल जो है चीज़, ये तो बहुत ही बढ़िया, इसमें से मुझे काफ़ी ना स्मोकी फ्लेवर आया है, बहुत ही बढ़िया। और स्पेशल ग्रेवी में तैयार करते हैं ये,
बटर पनीर मसाला, ऊपर क्रीम वगैरह डाल दिया है। जब भी आप यहाँ पर आए दाल तो आपने लेनी लेनी है, साथ में ये भी आप जरूर लेना, बहुत ही बढ़िया। तो नान जो पुराना है बिल्कुल सॉफ्ट है। तो पहले लगाते हैं जी दाल, औसम दोस्तों, औसम बहुत ही बढ़िया इसके साथ, तो बहुत ही बढ़िया इसका है जो टेस्ट है हैंस हो गया है, बहुत ही बढ़िया। और ये इनकी पुदीने की स्पेशल चटनी, इसमें हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह डालते हैं। गुड़ बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये नान है ना जो ये लगाया इन्होंने, जो लच्छा पराठा बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप लगाते हैं जी ग्रेवी, साथ में चीज़ लगाते हैं थोड़ा सा। बहुत ही बढ़िया इसका काफ़ी जो टेक्सचर है, क्रीमी है, क्रीम डाली हुई है, बहुत ही बढ़िया। तो सो गाइस जो दाल की कीमत है, दाल की कीमत इन्होंने रखी हुई है 60 रुपये, और 15 रुपये का जो इनका जो है लच्छा पराठा है। तो कभी भी आप अमृतसर आएँ तो सुल्तानगंज पर रोड पर बहुत ही फेमस है कस्तूरी वैष्णो ढाबा, 60 साल पुराना ढाबा है। तो सो गाइस कभी भी आप अमृतसर आएँ तो उनका जो है लंच वगैरह डिनर वगैरह करके जाएँ। सो गाइस अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।